वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज एक नई रेसिपी। ये स्वीट डिश की रेसिपी है जो बिल्कुल नॉर्मल घर में दो इंग्रेडिएंट से बनाई जा सकती है और टेस्टी भी उतनी है और बनाना भी बहुत ईजी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, ये 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं लुक्स भी कितना डिलीशियस है। तो प्लीज़ एक बार ये स्वीट डिश की रेसिपी ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करना ना भूलिए कि रेसिपी आपको कैसे लगी। तो ये हमारी जो स्वीट डिश की रेसिपी है वर्मिसेली पिस्ताचियो डिश की है और साथ ही साथ हम उसके साथ एक और बनाएंगे जो उसके साथ है पिस्ताचियो क्रीमी नेक्स्ट। वर्मिसेली पिस्ताचियो क्रीमी नेक्स्ट, तो इन सबको बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 बड़ा कप वर्मिसेली का। यहाँ पर मैंने ये एक छोटा नेस्ले का ले लिया है कंडेंस मिल्क, और यहाँ पर तीसरे ब्रांड का यूज कर सकते हैं, ये हमें 1/2 कप यूज करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक हैवी क्रीम, तो हमने 1 कप हैवी क्रीम यूज करना है। 1 बड़ा चम्मच हम यूज करेंगे देसी घी का, साथ ही साथ हम यूज करेंगे 1/2 कप ये शुगर पाउडर का। इसके साथ हमने ले लिया है 1 बाउल यहाँ पे पिस्ताचियो, यहाँ पे कुछ तरस हमने कट कर लिया है। इसके साथ हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच छोटी इलायची पाउडर का, और हमने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप नारियल का बुरादा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने हीट कर लिया है एक पैन का। पैन को हीट करने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। घी को हमें देंगे मेल्ट, हम जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा इसमें हम फटाफट वर्मिसेली को ऐड कर देंगे, और हमें फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, हमें इसकी पूरी कुकिंग लो फ्लेम पर करना है। खासतौर से हमें जो वर्मिसेली भूननी है वो तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो, कलर सेम का सेम हो और हमारी वर्मिसेली भी अच्छे से कुक हो जाए। तो हमें पूरी कुकिंग इसकी लो फ्लेम पे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसे घी में अच्छे से भून लेना है, आप चाहते हैं हमें बटर का भी यूज कर सकते हैं। भूनने में हमें 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो हमें जैसे ही हमारा ये भून जाएगा यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क का। हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क को डाल लेंगे और डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है कंडेंस मिल्क को, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। हमें अभी भी फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना है फ्लेम को बिल्कुल भी। इसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हमें अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मिक्सर के रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने जो कार्डमम पाउडर लिया था यहाँ पे ऐड कर देंगे, साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा लिया था उसको भी हम ऐड कर देंगे, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। वहाँ पे अब हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमें थोड़ा सा इसे चला चला के ठंडा करना है, कहीं तो पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये पूरी तरह से जो हम नेस्ट का सेट चाहते हैं उस नहीं आएगा। तो हमें हल्का सा इसे गर्म ही रखना है। इसके बाद हमें ले लिया है मफिन मोल्ड, इसके बाद हमें उसे बिना किसी घी या बटर से हमने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि इसके करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से निकल जाएगा उसमें से। तो हमें स्पून की हेल्प से हमें बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से दबा दबा के नेस्ट की हेल्प में इसे सेक देना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कर करके हमें रेडी करना है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरी तरह से बना करके रेडी कर लिया। अब हम इसे ठंडा करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम वापस से इसे चेक करेंगे और एक स्पून की हेल्प से हम इसे बाहर निकालेंगे, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडा हो गया और नेस्ट की शेप में आ चुका है, तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो
एक लेना है स्पून और हमें हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा इसे प्रेस करना है, ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है जैसा हम चाहते हैं। इसे हम एक प्लेट में बाहर कर लेंगे। हमने यहाँ पे सबको निकाल करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट बन करके रेडी है। अब हमने ले लिया है एक बिल्कुल ठंडा किया हुआ हमने मिक्सिंग जार लिया है। यहाँ पे जो हमने हैवी क्रीम लिया था, एक कप हैवी क्रीम, इसको भी हम पूरी तरह से चिल करके यहाँ पे एक कप हैवी क्रीम यूज करेंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक हो चुका है जैसा हमें चाहिए, परफेक्ट वैसा ही रेडी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप शुगर का। हमने यहाँ पे शुगर पाउडर ले लिया था, यहाँ पे हाफ कप शुगर पाउडर यूज करेंगे और इसके बाद हम यूज करेंगे आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर का। इन सब चीजों को हमें डालने के बाद फिर से हमें ग्राइंडर को मिक्स करना है इन सब चीजों को, कि ताकि हमारा बैटर थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में बैटर हमारा परफेक्ट बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे। इस नेस्ट के अंदर हमें अपने हिसाब से दो स्पून इसमें हमें डाल करके इसे फिल करना है। कुछ इस तरह से करके हमें रेडी करना है। चार में हमें भर करके रेडी कर लिया। इसके बाद हमें जो चार है वो हमें पिस्ता से हमें डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हम दोस्त टाइप का बना रहे हैं। तो बाकी जो चार में है उसे हम पिस्ता से डेकोरेट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम कार्डमम पाउडर या थोड़ा सा पिस्ताचू पाउडर से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से वर्मिसेली क्रीमी पिस्ताचू नेस्ट बन करके हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कि लुक सुपर डिलीशियस है, टेस्ट में भी उतना ही यम्मी है, बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे घर में बहुत आराम से 3 मिनट के अंदर अंदर आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।